नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न के अंदर केतु का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, राहु केतु नाम के राक्षस को विष्णु भगवान ने छेदन किया। राहु यानी कि सर, केतु यानी कि धड़। केतु का अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता, इसलिए जिस राशि में बैठ जाए, जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, वो अनुरूप अपना फल देता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ मिल गया तो अच्छे ग्रह में वृद्धि करेगा, अच्छे फल में वृद्धि करेगा। बुरे ग्रह के साथ मिल गया तो बुरे फल में वृद्धि करेगा। केतु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये जितनी भी बातें मैं बताऊंगा उसका फल कब मिलेगा, केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंदर दशा में मिलेगा। ओके, आइए प्रिय दर्शकों, केतु वृषभ लग्न के अंदर प्रथम भाव में नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत अशुभ फल देगा। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि जीवन के अंदर बहुत संघर्ष में जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को बार बार अपनी नौकरी बदली करने का योग होता है, बार बार बिजनेस करने का योग होता है। काफी बार मैंने लोगों को देखा है कि बार बार घर भी बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति अंदर से अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं और इनके स्वभाव में जिद, हट, गुस्सा बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। और काफी बार उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं अकेला हूं, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, सभी लोग स्वार्थी हैं। ऐसे लोगों को पुत्र सुख में भी प्रॉब्लम होता है, विवाह में भी टकराव बढ़ता है, भाग्य की भी हानि होती है। प्रिय दर्शकों, केतु अगर दूसरे भाव में हो तो यहां पे भी नीच राशि का हो जाता है, कुटुंब से मतभेद, टकराव, खिटपिट बढ़ाता है, वाणी के अंदर कटुता पैदा करता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं लेकिन ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाए। जिसके भी दूसरे स्थान में केतु हो उन लोगों को कुटुंब से दूर किया जाता है। पैसे कमाने के लिए वो लोग अपने घर, अपने रिश्तों से दूर चले जाते हैं। जिसके भी दूसरे स्थान में केतु हो ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाव में अगर केतु बैठा हो तो यहाँ पे उसकी परम शत्रु की राशि हो जाती है। यहाँ पे केतु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, भाई बहनों से मतभेद करवाएगा, टकराव कराएगा। ऐसे लोग बहुत ही मेहनत करेंगे लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलेगा। काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी उन्नति, प्रगति, विकास न होगी। ऐसे लोग कोई कलाकार होंगे तो वो अपनी कला को खुलकर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, उनके प्रोग्रेस में बहुत दिक्कतें आएगी। केतु जिसके भी तीसरे भाव में होता है, मैंने हमेशा उनको काफी स्ट्रगल वाली जिंदगी जीते देखा है। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी, भाग्य को हानि करेगी, बड़े भाई से भी टकराव और मतभेद पैदा करेगा। केतु चौथे भाव में हो तो यहां पे उसकी परम शत्रु की राशि आ जाती है। जब भी केतु की महादशा, अंतरदशा होगी तभी उनके मकान में, उनकी प्रॉपर्टी में, उनकी वाहन में कोई ना कोई दिक्कतें पैदा होगी। और जिसके भी चौथे स्थान में केतु हो ऐसे लोगों को अपने खुद के नाम पे मकान नहीं खरीदना चाहिए, वाहन नहीं खरीदना चाहिए, वरना उसमें बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। अगर यहाँ पे गुरु इसके साथ मिल जाता है तो ऐसे लोगों को उसके मित्र कहीं ना कहीं कोई बड़ा धोखा देते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में या फिर वाहन खरीदने में कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि अकस्मात योग बनाएगा, बिजनेस के अंदर तकलीफें पैदा करेगा और ऐसे लोगों को अपने जन्म भूमि से दूर जाके पैसे कमाने के योग बनेंगे। केतु पंचम भाव में परम मित्र राशि का हो जाता है, यहां बहुत अच्छा फल देगा, पुत्र सुख अच्छा देगा। ऐसे लोग बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे, ऐसे लोगों को रिसर्च की पढ़ाई से फायदा होगा। ऐसे लोगों को बने तब तक पितरों की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ मिलेगा। ये केतु की दृष्टि यहां पड़ने से वो लोग बहुत ही धार्मिक होंगे, उन लोगों को बड़े भाई से लाभ होगा, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होगी। केतु अगर 6वें भाव में आ जाता है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता, ऐसे लोगों को पेट की पीड़ा देगा, शत्रु बढ़ाएगा, कायदा कानून कोर्ट कचहरी में कष्ट करेगा। जिसके भी 6वें भाव में केतु हो मामा से रिश्ता कमजोर कर देगा और ऐसे लोगों को विदेश जाने में भी दिक्कतें पैदा करेगा, बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुटुंब के साथ मतभेद टकराव बढ़ाएगा।
केतु अगर सप्तम भाव में हो तो यहाँ पे उच्च राशि का हो जाता है, यहाँ बहुत अच्छा फल देगा। और उसमें भी अगर मंगल उच्च राशि का हो या स्वग्रही राशि का हो तो बहुत अच्छा फल देगा, उसे पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, उसे बहुत ही सुंदर सुशील संस्कारी प्रेम करने वाली बहुत ही नसीबदार पत्नी मिलेगी, शादी के बाद उसका भाग्योदय होगा, बहुत प्रोग्रेस करेगा। और ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में भी लाभ होता है। केतु की दृष्टि यहाँ होने की वजह से बड़े भाई से लाभ होगा और ऐसे लोगों को छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे करेगा, उसकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप करेगा और वो बंदा बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होगा। केतु अगर अष्टम भाव में हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। केतु अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोगों को वाहन से कष्ट हो सकता है। चंद्र केतु साथ में हो तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसके साथ शनि केतु अगर मिल जाए, शनि केतु यहां पे हो तो बिजनेस में काफी लॉसेस करवाता है। केतु यहां पे बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। मंगल केतु भी यहां पे आ जाए तो ऐसे लोगों को कुत्ता काटने का योग बनता है। केतु की यहां दृष्टि होने से मतभेद, कुटुंब के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट बढ़ाएगा, धन का व्यय करवाएगा, वाणी में कटुता पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं प्रिय दर्शकों, केतु अगर नवम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि ये नवम भाव है, पिता का स्थान है। ऐसे लोगों को पिता से बहुत ही प्यार होगा, पिता से बहुत ही लगाव होगा, पिता के आज्ञाकारी बेटे होंगे। ऐसे लोगों को पूजा पाठ, होम हवन, धर्म कर्म में बहुत इंटरेस्ट होगा, लंबी लंबी यात्राएं करेगा और यात्रा करने से उसे सुख प्राप्त होगा। केतु की दृष्टि यहां होने की वजह से भाई बहनों से भी रिश्ता अच्छा करेगा, उसके पुत्रों के साथ भी उसका सुख बढ़ाएगा, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। केतु जिसके नवम भाव में हो, ऐसे लोगों को कोई भी धार्मिक चीजें करनी चाहिए, धर्म कर्म के काम से भी ऐसे लोगों को लाभ होता है। केतु अगर दसम भाव में बैठा हो और शनि अगर जो स्वग्रही हो, उच्च का हो, बलवान हो, तो ऐसे लोगों को बिजनेस के अंदर मालामाल कर देता है। ऐसे लोग धंधा करके, बिजनेस करके करोड़ों रुपया कमाते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अपने कुटुंब की भी बहुत मदद करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और दुश्मन को हरा देते हैं, दुश्मन को परास्त कर देते हैं। केतु अगर 11वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, यह उसकी परम शत्रु की राशि है। ऐसे लोगों को मित्रता सोच समझ के करनी चाहिए, ऐसे लोगों को बड़े भाई से भी बने तब तक सोच समझ के रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। पुत्रों के सुख में विघ्न करेगा, अगर लेडीज होगी तो उसका एबॉर्शन करवाएगा, पेट का ऑपरेशन करवाएगा। ज्यादातर केतु 38 साल तक अशुभ फल देता है। केतु अगर कुंडली में दसम भाव में हो तो 38 वर्ष तक उनके बिजनेस में स्थिरता प्राप्त नहीं करने देता। प्रिय दर्शकों आगे बढ़ते हैं, केतु अगर 12वें भाव में हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। कायदा कानून, कोर्ट कचहरी जैसी चीजों से तकलीफ देगा, विदेश में जाके भी वो स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाएगा, कायदा कानून कोर्ट कचहरी में नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी। हाँ, लेकिन केतु 12वें भाव में हो तो मोक्षकारी माना गया है। केतु 12वें स्थान में हो तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की तरफ यानी वैराग्य की तरफ लेके जाता है और बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन कायदा कानून कोर्ट कचहरी के अच्छा नहीं है और विदेश स्थान में स्थिरता के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, केतु का प्रेडिक्शन करते वक्त षडबल की भी मदद लेनी चाहिए। षडबल के अंदर आता है स्थान बल, काल बल, दिशा बल, दृष्टि बल, चेष्टा बल और नैसर्गिक बल। ये सारे बलों को देखने के बाद केतु की ओरिजिनल ताकत कितनी है वो देखने के बाद ही प्रेडिक्शन करना चाहिए। और भी अगर डीप में स्टडी करनी हो तो सप्त वर्ग साधन की मदद लेनी चाहिए, 10 वर्ग साधन की मदद लेनी चाहिए, 16 वर्ग साधन की मदद लेनी चाहिए। और भी डीप में जाना है तो डिविजनल चार्ट 1 से लेकर 60 तक की स्टडी की जाती है। प्रिय दर्शकों, हमारी स्टडी के मुताबिक हमने देखा है कि अगर मंगल केतु एक साथ बैठ जाए तो ऐसे लोगों को कुत्ते पालने का योग बनता है, कुत्ते से लगाव बढ़ता है, ऐसे लोगों को जीवन में एक बार कुत्ता काटता भी है। केतु धार्मिक ग्रह है और अगर गुरु के साथ मिल जाता है तो गुरु केतु का चंडाल योग होता है, लेकिन अगर गुरु कुंडली में अच्छा हो तो ऐसे लोगों को धर्म क्षेत्र में बहुत ही सफलता प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करना, इसे जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।